एक्सेल के इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल्स को या सीएसवी बेस्ड फाइल्स जो होती हैं हमारे पास उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आप डाटा, अगर आपके टेक्स्ट फाइल में डाटा आपके पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे एक एक्सेल के अंदर ला सकते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी एक न्यू ब्लैंक फाइल खोल लेंगे। ये मैंने कोई ब्लैंक एक्सेल खोल लिया है और मैं इसके जब डाटा में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले साइड पे जहां पे लिखा हुआ है गेट इट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, तो यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसमें से जाकर के गेट डाटा में जा सकते हैं और गेट डाटा में जाने के बाद आपको फ्रॉम फाइल में जाकर के आप टेक्स्ट और सीएसवी को चूज कर सकते। तो ये जब मैंने टेक्स्ट और सीएसवी को चूज कर लिया, अब आपको कोई भी जो फाइल आपके पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये मेरे पास हॉट डॉग्स नाम का एक फाइल है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इम्पोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास ये सारा डाटा आ गया है। आपके कॉलम वन में क्या आ रहा है, कॉलम टू में क्या है उस डाटा में, कॉलम थ्री में क्या है, वो तीनों चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि डिलिमिटर क्या है। डिलिमिटर का मतलब है कि डाटा जो टेक्स्ट फाइल में है वो कैसे सेपरेटेड है। एक बार मैं आपको वो फाइल खोल के दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मैंने हॉट डॉग्स वाली फाइल खोल दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन है और चिकन की कुछ वैल्यू दी हुई है, कैलोरी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर भी एक और कैलोरी वैल्यू दी हुई है और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद की उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डाटा है यहाँ पर वो टैब से सेपरेटेड है। अगर ये टैब से सेपरेटेड है और इसी वजह से जब आप एक्सेल में इसको खोलते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वो टैब दिखा रहा है। एक्सेल ने खुद ही ऑटोमेटिकली देख लिया है कि आपने टैब से इसको सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे और काफी ऑप्शन आते हैं, कॉमा, इक्वल साइन, स्पेस, जो भी चीज आपने यूज की है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ये वाला टैब वाला ही डाटा है, अदरवाइज कॉमा भी बहुत कॉमन है, कॉमा से भी डाटा सेपरेटेड रहता है कई बार। और इसके बेसिस पर बस आपको यहाँ से अब लोड में जाना है और वो लोड टू का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है, तो आप लोड टू में जा सकते हैं। अब इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको किस फॉर्मेट में लाना है, पाइवट चार्ट के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, पाइवट टेबल या टेबल। मैं नॉर्मल टेबल के फॉर्मेट में इसको लाना चाहता हूँ। आप न्यू वर्कशीट में लाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लाना चाहते हैं, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लाना चाहता हूँ और इसको A1 पे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन है वो A1 डाल दिया है और उसके बाद आप ओके क्लिक कर सकते हैं। और आपने जैसे ही ओके क्लिक किया आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा डाटा है वो एक इंपोर्ट होकर के आपके एक्सेल फाइल में आ चुका है। अब आप इसके ऊपर जो भी फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, कुछ भी डाटा पे फंक्शंस, फॉर्मूलाज कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से इस पे लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं इनटू डाटा, इनटू एक्सेल। तो हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।